हेलो एवरीवन आज है 24 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन के बारे में अच्छी तेज़ी आई है आज यहाँ पर शानदार तेज़ी है पिछले एक महीने का अगर हम ग्राफ देखोगे तो 14 परसेंट की तेजी ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखो तेज़ी आई थी यहाँ पर फोर्टी थ्री से करीब गया था ये फोर्टी थ्री के आसपास था उसके बाद करेक्शन बना वापस तेज़ी है और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो जब गिरावट आ रही थी मैंने कहा था कि चालीस रुपये के नीचे डेफिनेटली खरीदारी के मौके बनेंगे और वो गया भी था चालीस रुपये के नीचे और अब वापस से तेजी पकड़ लिए देखो लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका अच्छा लगता है उसमें कोई शक की बात नहीं है मैं पहले भी बोल चुका हूं कि दोबारा पचास रुपये का लेवल दिखाने की ये कोशिश ज़रूर करेगा बीच बीच में अप्स एंड डाउनस होंगे लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से पहला टारगेट पचास रुपये का यहां पर बनता ज़रूर है और क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेकर भी कई सारी अपडेट्स आई है बात करते हैं उसके बारे में तो यहां पर एक साल का अगर आप ग्राफ देखते हो तो भाई साहब खूब पैसा बना कर दिया इसने चार का ग्रोथ है आठ रुपये से ऐसा भागा पचास पर गया था ये और उसके बाद गिरावट भी बनी थी यहाँ पर छत्तीस पे आया था और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पचास पे जाने के बाद जब गिरावट स्टार्ट हो रही थी तभी मैंने कहा था कि डेफिनेटली चालीस के नीचे अगर जाता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे पैंतीस से चालीस रुपये का लेवल एक सपोर्ट वाला लेवल लगता है और वहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट डेफिनेटली जनरेट होता नज़र आएगा क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि उस लेवल के आसपास गया लेकिन अच्छी खासी तेज़ी उसके बाद देखने को मिली थी पचास पे गया था वापस ये नीचे की तरफ गया वापस तेज़ी ज़रूर बनी लेकिन हाँ पचास रुपये का लेवल जो है यहाँ से जो पैंतालीस से पचास का जो रेंज होगा वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस वाला रहने वाला है अगर उसको सक्सेसफुली ब्रीच करेगा तो बहुत अच्छी बात होगी इस कंपनी के लिए और उसको ब्रीच करने के लिए खबर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है और वो खबर होगी इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में अगेन अगर जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वही हुआ तो 50 तक जाएगा अगर नहीं हुआ तो गिरावट भी वहाँ पर संभव है यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम देखें तो बाजार जस्ट अभी खुला है एक करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं और इसका जो मार्केट क्या है वो 57,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है कंपनी को लेकर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा मैं भी नहीं कर रहा हूँ और जहाँ तक बात करी जाए इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में तो देखिए अभी तक तो कोई डेट सामने नहीं आई है कि नंबर्स कब आएंगे लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी आ जाए और अच्छे नंबर और अच्छे नतीजे आए इनके और जहाँ तक डिविडेंड की बात करें तो मुझे लगता नहीं कि ये डिविडेंड पे करेगा क्योंकि अभी देखो हाल फिलहाल में टर्न अराउंड आया है हाल फिलहाल में यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट कमाना इस कंपनी ने स्टार्ट करे हुए हैं तो टाइम लगेगा इसको अच्छा डिविडेंड पे करने में और मुझे लगता है कि शायद एक दो साल बाद वो पे भी कर सकते हैं लेकिन अभी पिछले मतलब अभी जो एक साल और दो साल जो है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर क्योंकि लगातार प्रॉफिट्स इनके अच्छे जनरेट होने चाहिए जहाँ तक तो कंपनी के बारे में देखो तो देखो रीन्यूबल एनर्जी में है ये कंपनी काम करती है विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है और देखिए आने वाले टाइम में बहुत सारी जो कंपनियां हैं जो पावर कंपनियां हैं वो अपनी कैपेसिटी को सोलार में और विंड में बढ़ा रही है खास करके सोलार में बढ़ा रही है लेकिन विंड में भी चांसेस है कि यहाँ पर क्योंकि देखो इक्का दुक्का प्लेयर है जो विंड एनर्जी की मैं बात करूँ तो और ये कब ये वो कंपनी है जो विंड टर्बाइन वगैरह बनाती है और उसका मेंटेनेंस से लेकर इंस्टॉलेशन से लेकर सब कुछ करती है ये और कई सारे ऑर्डर्स इसको पिछले कुछ टाइम में मिले हैं जिसके चलते बहुत बड़ी तेजी दिखाई इसने और देखिए बहुत सारी पावर कंपनी अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रही है आगे भी बढ़ाने ही वाली है क्योंकि कंजम्पशन जो है वो बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा और जहां तक बात करी जाए इस कंपनी की तो देखो सत्रह से भी ज्यादा देशों में इनकी प्रेजेंस है चौदह मैन्युफैक्चरिंग इनके यूनिट्स है आठ आर एंड डी है और वैल्यूएशन की बात करें तो हाँ महंगा डेफिनेटली है ये एटी टू एटी थ्री का पी है सेक्टर पी सिक्सटी टू का है तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा महंगा है लेकिन फिर भी हंड्रेड परसेंट एनालिस्ट खरीदारी की बात करें रीज़न ये है कि ये जो महंगा पी रेशियो है वो एडजस्टेड हो जाएगा अगर इनके क्वार्टरली नंबर्स बेहतर आना शुरू हो गए अभी एक रिपोर्ट आ रही थी कई दो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट थी उन दोनों ने यह कहा है कि इस बार के जो रेवेन्यू होंगे इनके इस के, सौ तो सत्तर करोड़ का ही रेवेन्यू था तो बहुत बड़ा जंप कह सकते हैं दिसंबर के मुकाबले और मार्च में भी एक हजार नौ सौ पचास करोड़ के आसपास का ही रेवेन्यू था तो उसके मुकाबले भी अच्छा खासा जंप हम कह सकते हैं और जहां तक प्रॉफिट्स की बात करें तो इस बार का जो मार्च क्वार्टर के नंबर्स अभी आए नहीं लेकिन जो नंबर आने वाले हैं वहां पर एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि दो से दो करोड़ के आसपास के इनके प्रॉफिट्स हो सकते हैं इवन तीन करोड़ भी एस्टिमेट करा गया है यहाँ पर और ये बहुत अच्छा इसीलिए है क्योंकि इससे पहले 200 करोड़ या 100 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट्स था तो ये एक अच्छी बात है कि इनके प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी के चांसेस है इनके प्रॉफिट्स में इंक्रीमेंट के चांसेस है और ये वाकई में अच्छी बात हो क्योंकि ये वो कंपनी है जो एक टाइम पे नुकसान में चल रही थी लॉस में चल रही थी डेट के तले दबी हुई थी कर्जा इनके ऊपर बहुत सारा था कंपनी ने क्या किया कंपनी ने भईया अपने डेट को तीसरी बार इससे पहले भी दो बार अपने डेट को ये लोग रिस्ट्रक्चर कर चुके थे लेकिन फिर भी उससे बाहर नहीं आ पाए थे इस बार स्मार्टली प्ले किया डेट को रिस्ट्रक्चर किया और रिस्ट्रक्चर करने के बाद इन्होंने क्या किया पैसा रेस कर लिया और डेट को चुकाया यहाँ पर तो ये काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर हुआ अभी आप इसको ऑलमोस्ट डेट फ्री कह सकते हो और यही वजह है कि ऑलमोस्ट डेट फ्री होने की वजह से इनका जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है और देखिए प्रमोटर की होल्डिंग जो थी आ, पहले अगर आप अगस्त में देखोगे तो नाइनटीन की ही थी आज भी अभी उतनी ही है लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले प्रमोटर की तकरीबन टेन की होल्डिंग गिर हुई थी अब वो सारी होल्डिंग गिरवी नहीं है अब एक भी शेयरिंग का गिरवी नहीं है और जहां तक म्यूचुअल फंड्स काफी बड़ा गेम खेल रहे हैं 4.98% की होल्डिंग थी अगस्त में डिसम्बर्स में बेच बेच कर 1.33 पर आ गए और मार्च में दोबारा खरीदारी कर ली 1.86% पर आ गए यहां पर डोमेस्टिक लगातार बेच रहा है अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करोगे तो 5.93% से घटकर फोर पॉइंट और अभी 4.44 लेकिन उसके सामने सरप्राइज अगर किसी ने करा है तो वो भाई साहब एफ ने करा है फॉरन वालों ने करा है यहाँ पर सरप्राइज प्राइस टेन पॉइंट सेवनटीन और अभी 19.57 लगातार खरीदारी अगर कहीं पर देखने को मिली है तो वो फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से आई है रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 60.85 परसेंट की होल्डिंग है जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 25.93 परसेंट है और अदर पार्टीज 34.91 परसेंट का स्टेक लेकर यहां पर बैठे हुए हैं तो देखिए यहां पर मैं इतना ही कहूंगा इस कंपनी के बारे में कि कंपनी अच्छी है और शेयर होल्डिंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इंस्टीट्यूशंस लगातार यहां पर खरीदारी बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि तो यहां पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी वॉलेटाइल भी है ये शेयर बहुत जल्दी तेज़ी दिखाता है बहुत जल्दी गिरावट भी दिखाता है और यही वजह है कि इंस्टीट्यूशन इस तरीके से यहाँ पर गेम भी खेल रहे हैं रिटेल पार्टी अगर हम रिटेल की बात करें तो उनका भी जो पार्टिसिपेशन है वो भी अच्छा खासा है अदर पार्टी से बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर देखने को मिल रही है ओवरऑल देखो सुझलाउन मेरे हिसाब से कंपनी ख़राब नहीं है और मैं यही कहूंगा आपसे कि अगर दोबारा 40 के नीचे जाता है ये 35 से 40 का जो लेवल है मुझे लगता है कि वहाँ पर इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है दोबारा शायद जाने के चांसेस भी है ऐसा नहीं कि यहाँ से ये यह भागता ही रहेगा क्योंकि अगर अगर आप ग्राफ देखोगे तो 40 पे जाने के बाद तेज़ी दिखाई थी दो दिन तक ये भागा था ठीक है फिर वापस से गिरा भी था ये तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी भी कुछ टाइम यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है ये और असली जो गेम होगा यहाँ पर वो इनके क्वार्टरली नंबर के पहले होने वाला है तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर और अगेन मैं यही कहूँगा कि टाइम आपको देना पड़ेगा इस कंपनी को क्योंकि अभी टर्न अराउंड स्टोरी स्टार्ट हुई है और उसके चलते ऑलरेडी ये अगर आप इसके लोअर लेवल से देखोगे आठ रुपए के प्राइस से देखोगे तो भाई साहब ये पचास पे गया था पांच सौ परसेंट का रिटर्न ये ऑलरेडी आपको दे चुका है तो यहाँ पर कंसोलिडेट इसका होना बनता है होना बनता है ऐसा कंसोल कुछ टाइम यहां पर बिताना बनता है इसका 45 से पचास रुपये का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है 35 से चालीस रुपये का जो रेंज है वो एक सपोर्ट के तौर पर यहां पर काम कर सकता है और कुछ टाइम ये इसी के बीच में अटकने वाला है आगे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं पसंद आया हो तो लाइक करो शेयर करें चैनल पर अगर पहले बारे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और सुजलॉन एनर्जी के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं थैंक यू